नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मुझे ये पूछना था कि जो WCRU का अभी $1 प्राइस चल रहा है, जो कंपनी से हम परचेज कर सकते हैं, जब हमें लिक्विडिटी मिलेगा जुलाई में, तो क्या उसका प्राइस उससे नीचे जाएगा या कुछ कंपनी मतलब लिमिटेड लगाने वाली है? सर जैसे आपका आप लोग जब यूनिटेक्स में के ऊपर कंपनी ने हम लोग को शेयर प्रोवाइड किया हुआ था, कितने सेंट में हम लोग को प्रोवाइड किया हुआ था सर? 20 सेंट में सर। उसका प्राइस नीचे क्यों आया सर? नहीं वही चीज तो मुझे जानना है सर, क्योंकि अभी अगर कोई भी परचेस करता है WCRU $1 में, और right, अगर हम लोग मतलब जो जो भी मतलब कि 2 पैसा या 5 पैसा या 30 पैसा हम खरीद चुका है, वो तो उसको अगर 50 पैसा या 60 पैसा या 1 रुपया भी मिले तो वो तो बेच देगा, तो राइट उसका तो प्राइस जैसे भी नीचे जाना है, तो कंपनी कुछ उसका मतलब कि लिमिटेशन लगाने वाली की लगाने वाला है या नहीं वो जाना सर, जब मार्केट के ऊपर। आलोक सर एक मिनट। आलोक सर माय नेम इज रत्नाकर और नित्य शर्मा सर। नमस्ते सर, मैं जान रहा हूँ। यस यस यस, आप अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ सर। आप सर कितने दिन से सिस्टम से है? जस्ट फॉर फॉर्मल सर, मैं तो पहले तो मैं मीटिंग सब ज्वाइन नहीं कर रहा था, लेकिन yes. मैं परचेस किया था लगभग मतलब सिस्टम से। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, सिस्टम से आप कब से है, मतलब WCRU बा CRU कुछ भी? सर मैं शायद 2019 से हूँ। ओके धन्यवाद। आप कभी क्लोज्ड मीटिंग जो होता है हमारा अंडर सर का, वो सर आप देखा है? जी सर। कभी भी नहीं सर, मैं एक बार देखा लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया और yes. बाकी मौका तो नहीं मिल पाया मुझे। नहीं क्यों प्रॉपरली मीटिंग देखा नहीं, इसलिए आपका पास मैं भी मेरा जो सोचा है, मैं जो आपको क्वेश्चन पूछा, नो प्रॉब्लम। मेरा जो मतलब ऑब्जेक्ट ये है कि आप प्रॉपरली में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिला नहीं, मैं भी इसीलिए आपका मन में डाउट है। श्योर डाउट भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। इसमें देखिए दो चीज है, एक हो गया CRU, ठीक है जी सर। CRU का प्राइस आज क्यों मतलब नीचे है? CRU लोगों ने जब लिया था बहुत कम प्राइसेस में लिया था, मे बी सम पीपुल लेटर स्टेज में एंट्री किया है, हाई प्राइस में लिया है, उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है जी। और कुछ पीपुल स्टार्टिंग में पीरियड में लिया था, जैसे कि आप बोले 2019 हमारा प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ मार्च 2019 में, तो ये मतलब CRU का स्टार्टिंग हुआ। इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऐसा है जो लोग स्टार्टिंग में लिया था उन लोग बहुत कम पैसे में पाया था और कुछ नेटवर्किंग बोनस भी पाया था। आपको मालूम होगा दिल्ली में इवेंट हुआ था, उसमें भी कुछ पाया मतलब मिल गया था डबल बाउच एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जी सर। तो इसमें क्या हो रहा है, CRU प्राइस अभी जो चल रहा है यूनिटेक्स में वो डिपेंड करता है हमारा ऊपर, फर्स्ट चीज, क्योंकि हम लोग चाहेंगे तो उसका प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो हमारा बीच में कंपटीशन आ जाता है, क्योंकि हम लोग कितना कम प्राइस में हमारा CRU को बेच के थोड़ा सा मतलब नॉमिनल मिनिमम प्रॉफिट बा कुछ भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये एक चीज। सेकेंड चीज WCRU के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि WCRU इज अ एसेट बेस्ड पोर्टफोलियो, दैट इज STO। CRU इज नॉट STO, CRU इज जस्ट अ गिफ्ट, और यू कैन से दिस इज ए क्या बोल सकते इंटरचेंजेबल टोकन बाय यूटिलिटी टोकन फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ओके सो अभी देखिए क्लोज्ड मीटिंग में आई थिंक बहुत सारा पार्टनर्स जो भी इस मीटिंग में है वो लोग ज्वाइन किए होंगे। इसमें क्लोज मीटिंग में क्या होता है, हमारा कंपनी का एक वैल्यूएशन से एक मतलब एसेट वैल्यू है, आई थिंक आप देखे होंगे बहुत टाइम्स में भी, लास्ट ईयर का जो एसेट वैल्यूएशन था $11.6 बिलियन का वैल्यूएशन
वो दिया गया है। आई थिंक अभी भी हमारा अप्रेजल चल रहा है। अप्रेजल मतलब क्या होता है, जैसे कि आप एक कंपनी खुल गया, आपका जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, इनकम एंड आपका एक्सपेंडिचर, हर चीज आप रेगुलेटर को डिपॉजिट करेंगे। आपको मालूम है हमारा यूजी पे ग्रुप जो कि डब्ल्यू सी आर यू का ओनर है, वो ऑलरेडी एसईसी में रजिस्टर्ड है। तो अभी एसईसी को एवरीथिंग सबमिटेड किया गया है, तो एसईसी अभी क्या है ना, फाइनल अप्रेजल में कंटिन्यू प्रोसेस है। आई थिंक इन द ड्यूरिंग इवेंटी और आफ्टर इवेंटी आपको डिटेल हमारा 2021 तक कंपनी का क्या पोर्टफोलियो है और क्या बेसिकली बैक्ड एसेट है वो पता चल जाएगा। बाकी देखिए, एक कंपनी का जो बोला ना आप, सही बोला, क्यों नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, दैट इज गुड क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग जब डब्ल्यू सी आर यूजी पे ग्रुप का एक एसेट वैल्यूएशन जो कि गवर्नमेंट का द्वारा लीगलाइज्ड वे में डिक्लेयर हो जाएगा, और हमारा सर्कुलेशन कितना है, हमारा मार्केट कैप कितना आएगा उस टाइम में, तो उसी हिसाब में एक्चुअली वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप भी मतलब पर्सनली बैठ के उसका वैल्यूएशन भी कर पाएंगे। तो मतलब इसका एवरीथिंग, जैसे कि एंडरसन ने बोला था, एवरीथिंग यूजी पे ग्रुप का वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लोगों को जब एक प्रॉपरली एक एसेट मिलेगा, डिजिटल एसेट बाय एसटीओ फॉर फ्यूचर्स, बिकॉज फ्यूचर में जब डिविडेंड चालू होगा, तो आप जैसे एक एसेट को बेच देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका मतलब इंटरेस्ट, देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक मिलावाडा में बहुत टाइम्स ये एग्जाम्पल भी दिया है, कैश फ्लो, कैश काओ जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि हम लोग क्या खेती बाड़ी करते हैं ना, जैसा राइस उगाते हैं, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वन टाइम रिटर्न। आप एक कोई भी एक प्लांट लगा दीजिए, आम का पेड़ बा कुछ भी, तो उसमें क्या है, आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लाइफ टाइम वो जब एक जो आम का पेड़ है ना बड़ा हो जाएगा 3-4 साल में, तो उसमें आपको जो आम देगा एवरी ईयर, दैट इज योर डिविडेंड। तो इसमें सेम चीज है, जब लोग डिविडेंड अच्छा क्वांटिटी मतलब आने लगेगा, तो कोई लोग उस टाइम में डब्ल्यू सी आर को सेल नहीं करेगा। सेकंड चीज आप देखे होंगे, कल भी मैं जबर सर का प्रेजेंटेशन में एक भी अपडेट्स दिया था, दैट इज बिग इन्वेस्टर्स आल्सो एंटरिंग टू दिस प्रोजेक्ट। जी सर। ओके, तो आप देखे होंगे एक बड़ा आदमी का भी मतलब डॉक्टर चार्ली वाल, जो कि रिनाउंड राइटर भी है, रिनाउंड यूट्यूबर है और ब्लॉगर भी है, आई थिंक वो भी वर्ल्ड पीस का ऊपर काम करता है, उसका लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में 17 मिलियन फॉलोअर्स है। एंड डॉक्टर वाली चार्ली वाल भी हमारा इवरिच इकोसिस्टम में ज्वाइन किए हैं, आई थिंक वो भी हमारा कंपनी को उसका जो वेबसाइट है और सर का जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्रमोशंस भी कर रहे हैं। तो नॉट ओनली डॉक्टर चालीवाल, आप देखेंगे ये जो अभी देखिए, और एक क्लू भी मैं आप सबको देना चाहता हूँ, 1 अक्टूबर से फरवरी 2022 तक हमारा डब्ल्यू सी आर यू बैक ऑफिस जो सेल हो रहा है वो 15 रहेगा, कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है। ओके, तो आप सोचिए, लोगों ने, लीडर्स ने क्या ये 5 मास काम, जो 5 मंथ्स हो गया ट्रांजिट पीरियड, इसमें काम नहीं होगा, काम होगा। सो आप देखिए, व्हाट इज अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव वे क्या है डब्ल्यू सी आर यू लेने के लिए। सपोज डब्ल्यू सी आर यू यूजी पे ग्रुप अभी बंद कर देगा, अल्टरनेटिव वे इज दैट आप सी आर यू परचेस करके कन्वर्सन फीस देके डब्ल्यू सी आर यू ले सकते हैं। जी सर। ठीक है ना। और सेकेंड चीज हो गया क्या, CRU is fixed. अभी जो आप जाएंगे हमारा ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में 10.5 आई थिंक समथिंग बिलियन अभी CRU टोटल सर्कुलेशन में है। ओके, तो जब धीरे धीरे यहां से कन्वर्सन शुरू होगा, आप सोचिए CRU धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें और मतलब नहीं आएगा और सर्कुलेशन नहीं है। तो जब CRU कन्वर्सन स्टार्ट होगा WCRU को,
धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप अभी जो बोले हैं ना यूनिटेक्स में कम है, आप इवेंट के बाद किसी मीटिंग में हम लोग फिर मिलेंगे, आप देखेंगे हम लोग देखेंगे इधर दिसंबर का बाद आप देखेंगे सीआरयू का प्राइस क्या होने वाला है, वो मार्केट विल डिसाइड, क्योंकि हम लोग ओनली एक एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं, हम लोग कुछ वैल्यू मतलब नहीं दे सकते, दैट विल बी डिसाइड। तो हम लोग क्या, हम लोग देखते हैं, आप देखिए क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, इलन मस्क का आया, कुछ अपडेट न्यूज दे दिया, कुछ पॉजिटिव न्यूज दे दिया, धड़ाधड़ बढ़ गया। तो इसलिए हमारा क्या होगा, हमारा रियल बेसिस में काम हो रहा है, जैसे कि ये एक तो वन इनपुट, आई थिंक आलोक सर ने भी दिखाया होगा हमारा एनडी में भी जो कंपनीज हमारा साथ जुड़ेंगे वो भी सीआरई यूज करेंगे, एंड आई थिंक जो इवेंट सर का सीरीज ऑफ ब्लॉकचेन वेबिनार हो रहा था 1-5 सेशन, जो लोग वो सेशन भी अटेंड किए होंगे आप उसमें भी देखे होंगे व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान, फ्यूचर प्लान ऑफ सीआरयू, सीआरयू के बारे में कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब सीआरयू को लेके कंपनी क्या करने वाला है, इवेंट सर का वेबिनार में डिटेल भी डिस्क्राइब किया है। आई थिंक वो सब आपको इवेंट ही जो दुबई में हमारा इवेंट हो रहा है अक्टूबर में, उसमें बहुत सारा चीज पता चल जाएगा, उसका बाद में भी बहुत सारा चीज पता चल जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। तो इसका बाद आई थिंक आपका जो क्वेश्चंस जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मेरा ख्याल से कुछ कुछ मिल जाएगा, आई थिंक सो। ओके, धन्यवाद जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच रत्नाकर सर फॉर द क्लियरिंग द डाउट ऑफ आवर पार्टनर। अबे आगे चलते हैं, सुरेंद्र सिंह सर, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है।